ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा का ये मामला सामने आया है, जहां पर लापता बच्ची का शव मिला है। बता दें कि संदिग्ध अवस्था में बच्ची का शव पाया गया है। ये बच्ची दो दिन पहले लापता हुई थी, जिसके बाद आज उस बच्ची का शव मिला है। बता दें कि पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बुरहानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां 48 घंटे से लापता बच्ची का शव मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार इस बच्ची की तलाश जारी थी और 48 घंटे बाद इस नाबालिग बच्ची का शव बरामद किया गया है। साथ ही बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर इस वक्त पुलिस फोर्स भी तैनात है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दो दिन पहले ये नाबालिग बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी के दौरान इस बच्ची का शव बरामद किया गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये जो मामला बताया जा रहा है, दो दिन से ये बच्ची लापता थी और आज उसके शव को बरामद किया गया है, क्या स्थिति वहां देखी जा रही है? जी अंकांशा, जिस तरह से आज जो है बच्ची, नाबालिग बच्ची जो की करीब 6 से 7 साल की होगी, जिसका शव जो है पास के ही एक खंडर में मिला। यदि हम बात करें तो जिस तरह से ये शव मिलने की एक संदिग्ध अवस्था में जो शव मिला है, वो बताया जा रहा है कि ऊपर से जो है पन्नी में लपेट कर जो है पॉलिथीन में लपेट कर उसे जो है रस्सी से लटकाया गया। और वहां पर यदि हम बात करें तो जिस तरह से शव जो है विक्षत हो चुका है, अब जो है उसमें जो है जंतु भी पड़ चुके थे, और जिसके बाद यहाँ पर जिस तरह से बदबू आने के कारण जो है आसपास के लोगों ने जिस तरह से पुलिस को सूचना दिया, पुलिस जो है अपने पुलिस एसपी, जिसमें एसपी देवेंद्र पाटीदार सहित दल दल के साथ वहां पहुंचे, और उसके बाद स्कॉट डॉग भी पहुंचा, एफएसएल की टीम भी पहुंची, और अब उसमें जो है संदिग्ध अवस्था में मिलने के कारण अब उसमें हत्या की शंका जताई जा रही है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि अब पीएम के लिए जो है शव को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, अब पूरी जांच के बाद ही जो है पोस्टमार्टम के बाद कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस मामले की जांच के बाद ही कुछ कह पाएगी। जी वहीं गोपाल, अगर बात करें तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या लगता है पुलिस की ओर से जो पूछताछ की गई है उसमें अभी तक क्या अहम जानकारी निकल कर सामने आई है? जिस तरह से पुलिस अपनी जांच कर रही थी, और पुलिस भी अभी कई लोगों से जो है बातचीत भी कर रही है, और इसमें इस मामले में काफी अब जो है संदिग्धता के साथ में यहाँ जिस तरह से आसपास जो संदिग्धता जताई जा रही है उसे इसमें जो हत्या की शंका भी यहाँ पर जाहिर हो रही है, और आसपास के लोग भी जो है अब जो है पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, और यहाँ जिस तरह से और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देने की बात कर रही है। जी वहीं गोपाल, अगर बात करें तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई आगे होने वाली है, और परिजनों से जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जिस तरह से परिजनों से अभी किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, और परिजन चूंकि अपने दुख में जो है व्यथित है, दुख से व्यथित है, जिसके चलते अभी परिजनों से किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। अब यहाँ देखना होगा कि बुरहानपुर पुलिस जो है लगातार सर्चिंग भी कर रही है आसपास, और लोगों से पूछताछ भी कर रही है, और माना जा रहा है कि पुलिस जो है इसे 24 घंटे में जो है आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेगी। जी ठीक है गोपाल देवकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध अवस्था में दो दिन से लापता बच्ची का शव बरामद किया गया है। साथ ही बता दें कि इस मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है, बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। साथ ही बता दें कि दो दिन पहले ये नाबालिग बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई थी, और आज मकान के पास ही एक खंडर में बच्ची का शव मिला है और तुरंत उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है, और लगातार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है।